पिछले पार्ट में हम जो करे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस उसको कंटिन्यू करना है अपने को भी। अभी एक क्वेश्चन देखो, द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वेयर्स इज 468 मीटर स्क्वेयर एंड द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर्स इज 24 मीटर्स, देन फाइंड द मेजरमेंट ऑफ देयर साइड्स। थोड़ा एक बार क्वेश्चंस में जो है हम थोड़ा रिवाइज कर लेंगे क्या क्या पढ़ना है अपने को। एक बार जो है सपोज ये स्क्वेयर है समझो, ठीक है, तो इसका साइड सपोज एक्स है, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया साइड इंटू साइड होता है यानी एक्स इंटू एक्स, तो हो जाएगा एक्स स्क्वेयर। और पेरीमीटर, पेरीमीटर है ना सम ऑफ द साइड्स, तो जितना चार साइड्स रहेंगे ना तो एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा, फोर एक्स। तो वैसे हम क्या करेंगे, एक स्क्वेयर ले लिए जिसका साइड एक्स, सपोज दूसरा स्क्वेयर ले लेंगे इसका साइड वाई ले लेंगे, दो स्क्वेयर दे रहा ना, लेट बोलकर स्टार्ट करना सॉल्यूशन, लेट साइड ऑफ स्क्वेयर्स बी, दो मिला के डालेंगे साइड्स ऑफ स्क्वेयर्स बी एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई। अब क्वेश्चन पढ़ के हम क्या है समझना, स्टेटमेंट समझ के उसको लिखना क्या है, द सम यानी ऐड करना, द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू स्क्वेयर्स, सपोज पहले का एरिया ए वन है समझो, दूसरे का एरिया ए टू, तो सम बोलते ऐड करने को, सम बोलते ऐड करने, तो ऐड करना, तो गिवन में डालो ए वन प्लस ए टू इक्वल्स टू क्या दे रहा, 468। तो पहले का एरिया क्या होगा, साइड इंटू साइड एक्स स्क्वेयर हो गया, दूसरे का साइड वाई लिया तो वाई इंटू वाई वाई स्क्वेयर हो गया इक्वल्स टू 468। एक काम को इसको वन नोट कर लो यहीं पर, नेक्स्ट फिर कंटिन्यू करेंगे। दूसरी चीज क्या दे रहा है, यहाँ पे कंटिन्यू करो मैं, एंड द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स, डिफरेंस बोलते हैं माइनस करने को, सपोज इसका पेरीमीटर पी वन है इसका पेरीमीटर पी टू, क्या लिखेंगे गिवन पी वन माइनस पी टू, डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 24 इक्वल्स टू 24। अब पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर सम ऑफ द साइड्स, तो पहले का पेरीमीटर हो गया 4x माइनस दूसरे का होगा 4y इक्वल्स टू 24। इसमें से हम क्या करेंगे, x या y मान कर लेके इक्वेशन वन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। एक काम करो, 4x माइनस 4y है ना, इसमें से हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन क्या होगा बोलिए, इसमें दोनों में से 4x कॉमन, 4 कॉमन ले लो, अगर हम 4 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, यहाँ पे x बच जाएगा माइनस यहाँ पे y इक्वल्स टू 24, ये कैंसिल कर सकते हैं, तो 4 1s 4 6s 24। एक काम करो, माइनस वाई उधर लेके चले जाओ तो एक्स इक्वल्स टू 6 प्लस वाई, एक्स इक्वल्स टू 6 प्लस वाई, सपोज इसको 2 नोट कर लो, तो ऐसा डालेंगे सब्स्टिट्यूटिंग फ्रॉम 2, फ्रॉम 2। अब x की जगह पे x की वैल्यू यहाँ पे डालो, x की जगह पे यहाँ से x की वैल्यू ले लो एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे क्या लिखना है 6 प्लस वाई, स्क्वायर है ना इसलिए स्क्वायर ले लो, फिर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 468। एक बार रिवाइज कर लो, सम ऑफ द स्क्वायर्स यहाँ से ले लिए थे हम, और पेरीमीटर के डिफरेंस में से हमको वाई एक्स की वैल्यू आ गई, फिर एक्स यहाँ पे रख देना, एक्स के बाद 6 प्लस वाई होल स्क्वायर है ना। अब ये क्या यूज करेंगे हम, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है अपने पास, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी क्या है यहाँ पे 6 स्क्वायर प्लस 2 इनटू a यानी 6, b यानी y प्लस बी स्क्वायर यानी y स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर, ये a बोले सर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर यहाँ पे एक y स्क्वायर है ना प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 468। इसको हम सॉल्व करते जाएंगे, इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, पहले वाई स्क्वायर डालो, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू वाई स्क्वायर, टू सिक्स 12 प्लस 12 वाई, सिक्स स्क्वायर 36 प्लस 468 डाला तो माइनस 468 इक्वल्स टू जीरो, इसको माइनस करके देखो क्या होता है, माइनस 6 4 468 36 234 है ना, तो ये हो जाएगा टू वाई स्क्वायर प्लस 12 वाई, माइनस का बड़ा है ना इसलिए माइनस, क्या हुआ यहाँ पे 2 3 4 4 32 इक्वल्स टू 0। कभी भी सॉल्विंग के टाइम पे अगर कोई नंबर कॉमन आ गया तो कॉमन ले लिया करो,
अब इसमें कॉमन कहेंगे इसमें भी टू है, ये भी टू से कैंसिल होता है, ये भी टू से कैंसिल होता है, तो टू कॉमन ले लो तो टू चले गया तो क्या बचेगा वाई स्क्वेयर प्लस टू चले गया ना सिक्स वाई माइनस टू, टू जा फोर, टू वन जा टू, थ्री है ना एक बच गया, टू सिक्स जा ट्वेल्व इक्वल्स टू जीरो, ये टू जाएगा तो जीरो हो जाएगा। अब क्या बचा अपने पास वाई स्क्वेयर प्लस सिक्स वाई माइनस टू सिक्सटीन इक्वल्स टू जीरो। अब ये आ गया अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको या तो हम क्या करेंगे फॉर्मूला यूज करेंगे या फिर है ना फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज तो आप लोग देख लो, मैं फॉर्मूला इसलिए बताऊंगा क्योंकि एग्जाम में कभी क्या होता है बड़े नंबर्स आ गए तो फैक्टराइजेशन मुश्किल दिखता, इसलिए फॉर्मूला इसके लिए फॉर्मूला क्या है अपने पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो है। तो इसको कंपेयर कर लो, ए की वैल्यू वन, बी की वैल्यू सिक्स और सी की वैल्यू माइनस टू सिक्सटीन। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे बी स्क्वायर माइनस, फॉर्मूला क्या अपने पास कभी भी आठ लेना क्वाड्रेटिक इक्वेशन या तो फैक्टराइज करेंगे हम या तो फॉर्मूला इसके। तो फॉर्मूले के लिए हमारे पास फॉर्मूला है एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय टू ए। टू ए एक्स की बजाय वाई है ना तो वाई डालो इक्वल्स टू माइनस बी सिक्स प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर इज सिक्स स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इज वन सी इज माइनस टू सिक्सटीन डिवाइडेड बाई टू इंटू ए इज वन। और एक स्टेप कर रहा हूँ मैं यहाँ पे y इक्वल्स टू माइनस सिक्स प्लस सौ माइनस अंडर रूट ऑफ सिक्स स्क्वायर क्या होगा थर्टी सिक्स, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा फोर सिक्स ट्वेंटी फोर का फोर कैरी टू फोर वन सा फोर फाइव सिक्स फोर टू सा एट। एक बार रिवाइज कर लो फोर सिक्स ट्वेंटी फोर का फोर कैरी टू फोर वन सा फोर फाइव सिक्स फोर एट सा डिवाइड बाई टू वन सा टू। इसको ऊपर कंटिन्यू करेंगे ये ऐड कर लेंगे क्या होता है सिक्सटी फोर थर्टी सिक्स हंड्रेड नाइन हंड्रेड। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको तो क्या आएगा बोलो एक्स वाई इक्वल्स टू माइनस सिक्स प्लस सो माइनस रूट ऑफ नाइन हंड्रेड बाई टू। ये बहुत आसान है, रूट ऑफ नाइन हंड्रेड यानी रूट नाइन क्या होता है थ्री, रूट के अंदर से दो जीरोस बाहर निकालते एक जीरो आता है। तो ये हो जाएगा वाई इक्वल्स टू माइनस सिक्स प्लस सो माइनस थर्टी बाई टू। अगर प्लस ले लिए तो क्या होगा माइनस सिक्स प्लस थर्टी बाई टू और माइनस लिए तो माइनस सिक्स माइनस थर्टी बाई टू। तो ये हो जाएगा ट्वेंटी फोर बाई टू, थर्टी माइनस सिक्स कितना होगा ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर बाई टू, ट्वेंटी फोर बाई टू हो जाएगा या तो और एक क्या होगा भाई और माइनस थर्टी सिक्स बाई टू, टू वन जो टू ट्वेल्व जो टू वन जो टू एटीन जो। तो वाई की वैल्यू हम ट्वेल्व लेंगे है ना, वाई नॉट इक्वल्स टू माइनस एटीन, क्यों साइड्स माइनस में हो ही नहीं सकते, कोई साइड माइनस में थोड़ी हो सकता। तो हम क्या लिए थे एक स्क्वायर लिए थे एक साइड का और एक वाई। अब x y आ गया तो इसमें इक्वेशन वन में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग इन टू, सॉरी सब्स्टिट्यूटिंग इन टू, टू क्या लेते हम x इक्वल्स टू सिक्स प्लस y। अब इसमें y की वैल्यू रख डालो x की वैल्यू आएंगी, देयरफॉर x इक्वल्स टू सिक्स प्लस y इज ट्वेल्व, x इक्वल्स टू सिक्स प्लस ट्वेल्व इज एट। सो वी गॉट द साइड्स, देयरफॉर साइड्स आर कुछ कुछ स्क्वायर के साइड्स सब लेसा एक 18 है x की वैल्यू सपोज 18 और एक वैल्यू y, तो दो साइड्स है ना दो स्क्वायर्स के साइड्स क्या है 18, अच्छा मीटर्स में दिया था ना क्वेश्चन, तो हम क्या करेंगे इसको मीटर्स में लिखेंगे 18 मीटर्स एंड 12 मीटर्स, जो है ना यूनिट्स दिया वही यूनिट्स में आखिर में हम आ सकते हैं। तो ऐसी और एक और थोड़ी क्वेश्चंस करने हैं अपने एग्जाम में अक्सर से क्वेश्चंस पूछेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ए नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 12, इफ ए नंबर इंक्रीज्ड बाई ट्वेल्व इक्वल्स 160 टाइम्स ऑफ इट्स रेसिप्रोकल, इक्वल्स 160 टाइम्स ऑफ इट्स रेसिप्रोकल देन फाइंड द नंबर, देन फाइंड द नंबर। कैसा स्टार्ट करेंगे देखो भाई, हम लेट बोल के स्टार्ट करेंगे, लेट नंबर ले लो एक्स, नंबर क्या ले लिया बोलो एक्स, अच्छा नंबर का रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल बोलते हैं उसको उल्टा करना, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा वन बाई एक्स। अब क्या लिखेंगे देखो, गिवन इफ ए नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय, नंबर क्या लिए अपन एक्स, इंक्रीज बाय ट्वेल्व यानी ट्वेल्व बड़ा आले इसमें, ट्वेल्व बड़ा आले इसलिए प्लस ट्वेल्व इक्वल्स टू क्या दे रहा, इक्वल्स टू 160 टाइम्स यानी 160 इनटू बोले सर, 160 टाइम्स यानी 160 इनटू बोले सर ऑफ इट्स रेसिप्रोकल यानी 1 बाय एक्स, देन फाइंड द नंबर, देन फाइंड द नंबर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, आसान
क्वेश्चन है ना x plus 12 equals to 116 to 160 by x समझो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे लाए तो ये दोनों से मल्टीप्लाई आता है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना, x into x, x square, x into 12, 12x equals to 160, 160 भी इधर ला लो, 160 इधर ला ली तो क्या हो जाएगा, x square plus 160x, sorry what 12x minus 160 equals to 0, ये क्या है बोलो, quadratic equation, अब इसको हम factorize करना, तो factorize कर तो क्या आएगा, इसके दो roots आएंगे, है ना, factorization आसान दिख रहा ना, छोटे numbers है, तो factorize कर लो, अगर जहाँ पे भी factorization मुश्किल दिख रहा, तो वहाँ पे formula use कर लो, तो अब हम इसको factorize करेंगे, है ना, तो factorize कैसा होगा बोलिए आप, अब इसको factorize करने के लिए दो numbers multiply कर तो minus 160 आना, मल्टीप्लाई करते क्या ना माइनस 160, देखिए ट्राई करेंगे, इधर वॉच करो, आसान है, मेरे ख्याल से ये 12 8 से देख लो ना, 8 2 16 0, 8 20 160, 8 20 160, लेकिन क्योंकि माइनस होना है ना, तो दोनों में से कोई एक को माइनस करना, अगर हम माइनस बड़े को लगा दिए तो ये 8 को तो माइनस 12 आता, लेकिन यहाँ पे प्लस 12 है, इसलिए हम माइनस जो है बड़े को नहीं लगेंगे, माइनस किसको लगेंगे, छोटे को, इसको प्लस लगा लो, अब मल्टीप्लाई करो माइनस इनटू प्लस, माइनस 8 20 इज 160, और ऐड करो माइनस 8 प्लस 12, 8 20 हो जाएगा 12, तो अब इसको चेंज करेंगे हम, x स्क्वायर प्लस ये दो नंबर्स में चेंज करना है, माइनस सॉरी माइनस 8x, ये बीच वाले को ये दो नंबर्स में चेंज करते हैं, 12x की बजाय लिखेंगे माइनस 8x प्लस 20x, माइनस 160 इक्वल्स टू 0, x स्क्वायर इसके बजाय माइनस 8x प्लस 20x, अब ये दोनों में से कॉमन ले लो, ये दोनों में से कॉमन ले लो, तो पहले दोनों में से x कॉमन ले ले तो क्या आएगा बोलो, एक x चलेगा, x स्क्वायर में से x बच जाएगा, माइनस यहां से x कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, 8 ब्रैकेट, यहां पे 20 कॉमन ले लो, कैसे भी 20 कॉमन ले तो ये जाएगा x माइनस 2, 8 से ना 8 से आता है, कैंसिल करके देखो ये दो हमेशा सेम रहते हैं, अब फिर दोनों में से कॉमन ले लो, x माइनस 8, तो x minus 8 अगर कॉमन ले लिए तो क्या आएगा, x plus 20 equals to 0, therefore अलग अलग कर लो इसको, x minus 8 equals to 0 और x plus 20 equals to 0, x equals to 8 आएगा और x equals to क्या आएगा, minus 20, x equals to 8 और x equals to minus 20, therefore numbers, दो numbers हो सकते हैं, numbers are कौन से कौन से आएंगे, 8 और minus 20, 8 और माइनस 20, ठीक है ना भाई, तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया, और एक दो क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन करना है अपने को भी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, एक बार क्वेश्चन पढ़ ले, इफ माइनस 4 इज ए कॉमन रूट फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशंस px स्क्वायर 2x स्क्वायर plus px plus 8 equals to 0 and p into x स्क्वायर plus x plus k equals to 0, then find the values of k, value of k, माइनस फोर इज ए कॉमन रूट बोल रहा, कॉमन रूट का मतलब क्या है, मैं पहले समझा था, कॉमन रूट यानी एक्स की वैल्यू, यानी जो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया उसमें एक ही एक्स की वैल्यू है, क्या है माइनस फोर, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का से माइनस फोर वैल्यू है, दूसरे के से माइनस फोर वैल्यू है, बहुत आसान है, हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट इक्वेशन में है ना, फर्स्ट इक्वेशन में माइनस फोर डालेंगे एक्स की वैल्यू, इसको सॉल्व करेंगे तो पी आ जाएगा, फिर जब पी आ जाएगा तो सेकेंड इक्वेशन ले लेंगे, इसमें पी की वैल्यू डालेंगे तो के आ जाएगा, तो अब स्टार्ट करेंगे हम, ऐसा स्टार्ट करो, गिवन इक्वेशंस आर, गिवन इक्वेशंस आर, पहला इक्वेशन क्या है, 2x स्क्वायर प्लस px प्लस 8 इक्वल्स टू 0, यहीं पर बाजू लिख लेंगे हम, दूसरा इक्वेशन क्या है, p इनटू x स्क्वायर प्लस x प्लस k इक्वल्स टू 0, अब क्या बोला हूँ, 4 इज ए कॉमन रूट बोला, यहाँ पे x की वैल्यू 4 है, इसलिए ऐसा डालो, पुट x इक्वल्स टू माइनस 4, put x equals to minus 4, अब ये x की value minus 4 रख के इसको solve करेंगे, x की value minus 4 रख के इसको solve करेंगे, है ना, तो कैसे आएंगे बोलिए आप, x की value अगर minus 4 डाले तो 2 into minus 4 square plus p into minus 4 plus 8 equals to 0, 2 into minus का square plus हो जाता, 4 square 16 plus into minus minus, पहले 4 डालो, 4p plus 8 equals to 0, 2 16s are 32, 32 plus 8 40, minus 4p plus 40 equals to 0,
40 वो से लिखे चले हो माइनस 40 इक्वल्स टू माइनस 40 तो माइनस माइनस कैंसल 4 वन्स और 4 टेन्स देयरफॉर पी इक्वल्स टू 10 पी इक्वल्स टू 10 एक बार रिवाइज कर लो इसका रूट है बोला माइनस 4 यानी एक्स की वैल्यू की जगह पे माइनस 4 तो 2 इनटू एक्स के पे माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस पी इनटू माइनस 4 प्लस 8 माइनस 4 स्क्वायर 16 प्लस इनटू माइनस माइनस 4 पी 32 16 2 जो 32 32 में 8 मिला लो 40 equals to 0 plus 40 वो से लेके तो minus 40 minus minus cancel 4 ones of 4 tens p आ गया अब यहां पे क्या करेंगे हम substitute p करा लो तो substituting p की value 10 आ गई और इसका भी root क्या है common root यानी दोनों की एक ही value बोले सर x में तो इसमें अब x की जगह पे minus 4 लिखेंगे हम और p की जगह पे क्या लिखेंगे 10 तो p की जगह पे 10 into 10 already आ गई value यहां से ले लिए हम 10 into x square x की value क्या है आपके पास minus 4 square प्लस माइनस 4 ब्रैकेट ठीक है प्लस के इक्वल्स टू 0 एक बार रिवाइज कर लो 10 इनटू माइनस 4 का स्क्वायर क्या होएगा प्लस 4 स्क्वायर 16 प्लस इनटू माइनस माइनस 4 प्लस के इक्वल्स टू 0 16 माइनस 4 12 10 इनटू 12 प्लस के इक्वल्स टू 0 120 10 इनटू 12 120 प्लस के इक्वल्स टू 0 therefore k equals to plus 120 वो से लेके तो minus 120 यहां से फिर एक बार रिवाइज कर लो क्या है यहां पे ऑलरेडी हम p मालूम के लिए तो p के पे 10 डालेंगे कॉमन रूट यानी x के वैल्यू सेम बोले सर तो यहां पे ही minus 4 था यहां पे ही minus 4 तो p के वैल्यू 10 into x के पे minus 4 square plus x के पे minus 10 minus 4 square 16 plus into minus minus 4 16 minus 4 is 12 10 into 12 is 120 तो plus 120 वो से लेके तो minus 120 therefore k equals to minus 120 अब next question देखिए next question पहले question पढ़िए बाय if the speed of a car increases by 10 kilometer per hour if the speed of a car increases by 10 kilometers per hour यानी पहले की speed से जा रही थी अब उसका speed बढ़ा दिया 10 kilometers per hour तेज कर दिया तो जाहिर ही बात है speed तेज कर दे तो जल्दी पहुंचेगी time कम हो जाएगा then the time decreases by 38 minutes यहां पे देखो आवर्स में दे रहा है यहां पे मिनट्स में दे रहा ना तो इसको भी हम आवर्स में चेंज कर लेना बहुत आसान है इसको अगर हम 60 से डिवाइड कर दिए 60 से डिवाइड कर दिए तो आवर में चेंज होएगा टू रीच द डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस क्या था 72 किलोमीटर चलना था तो अगर हम स्पीड जो है चेंज ऐड कर दिए यानी बढ़ा दिए 10 किलोमीटर तो क्या हो रहा 38 मीटर्स मिनट्स पहले पहुंच जा रहे देन फाइंड द इनिशियल स्पीड ऑफ द कार सॉल्यूशन लेट अच्छा भाई इसमें एक बार रिवाइज कर लो पहले क्वेश्चन में जाने से पहले स्पीड का फार्मूला रहेगा डिस्टेंस बाय टाइम स्पीड का फार्मूला क्या रहेगा बोलो स्पीड का फार्मूला रहेगा डिस्टेंस बाय टाइम तो लेट एक काम करेंगे स्पीड ले लेंगे हम x स्पीड क्या लेंगे हम बोलो x इनिशियल समझो है ना तो स्पीड ये ले लिए x सपोज टाइम समझो t1 टाइम क्या ले लिए t1 तो हमें पास अच्छा डिस्टेंस तो दो बार भी सेम रहेगा डिस्टेंस क्या है हमारे पास डिस्टेंस है 72 किलोमीटर्स 72 किलोमीटर्स है ना अब यहां पे क्या आएगा देखो वॉच करो तो फार्मूला क्या है आपके पास स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम स्पीड है x इक्वल्स टू डिस्टेंस क्या है 72 बाय टाइम क्या है t1 इसमें से हम क्या करेंगे t1 मालूम कर लेंगे इसमें से क्या करना है हमको t1 कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो t1 इधर आएगा x into t1 equals to 72 तो t1 equals to 72 by x इसको वन नोट कर लो फिर कंटिन्यू करेंगे साइड में यहां पे अब है ना सेकंड केस है ना केस 2 अब क्या हो गया बोलो स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय x बोल रहा तो x plus 10 बोले सर x plus 10 सपोज x plus 10 टाइम ले लेंगे t2 टाइम क्या ले लेंगे t2 डिस्टेंस तो वही है 72 किलोमीटर फिर से फार्मूला इसको स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम अब स्पीड क्या है x plus 10 इक्वल्स टू डिस्टेंस क्या है 72 बाय टाइम t2 इसमें से भी t2 मालूम कर लो ये इधर ला लो खत्म ये उल्टा कर दिया समझो इसको इधर तो t2 क्या आ जाएगा बोलो इक्वल्स टू 72 बाय x plus 10 तो ये आ गया t2 ये सपोज सेकंड है समझो मानो अब टाइम क्या होता है डिक्रीज हो गया कितना 36 मिनट्स यानी ये दोनों को माइनस करें पहले टाइम ज्यादा हो रहा था ना भाई अब टाइम कम है तो मिसाल के तौर पे पहले टाइम समझो सपोज 80 मिनट्स हुआ था बाद में 60 मिनट्स हुआ तो हम क्या बोलेंगे कितना डिक्रीज हो गया टाइम 20 मिनट्स यानी दोनों को माइनस करना
तो दोनों को माइनस करें तो डिक्रीज ऑफ टाइम आएगा, देयरफॉर टी वन माइनस टी टू इक्वल्स टू 36 मिनट्स। अब टी वन क्या है अपने पास, 72 बाई एक्स, टी वन माइनस टी टू कहेंगे 72 बाई एक्स प्लस 10, ठीक है, इक्वल्स टू, अभी समझा मैं, मिनट्स को आवर्स में चेंज कर लो, 36 बाई 60। अब इसको हम सॉल्व करते जाएंगे, है ना, इसको अब क्या करना है अपने को, सॉल्व करना है। अब सबसे पहले एक काम करो, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कैसे आएंगे, राइट साइड कैंसिलेशन कर लेंगे, यहाँ पे देखो 6 6 6 10, फिर एक बार कैंसिल करो, 2 3 2 5, तो ये हो गया कैंसिल। अब यहाँ पे एलसीएम कैसे लेंगे हम, ये दो मल्टीप्लाई करते हैं, एलसीएम आता है एक्स इन टू, दो मल्टीप्लाई कर लो, दूसरा क्या है एक्स प्लस 10, ये मल्टीप्लाई कर दिया, बहुत आसान है, ये नंबर इधर चले आता है, ये नंबर इधर चले आता है, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझो टाइप में, ये इधर ला लो, तो ये हो गया 72 इंटू एक्स प्लस 10 माइनस, ये क्या आएगा बोलो, 72 इंटू एक्स इक्वल्स टू 3/5। अब इसको हम सॉल्व करते जाएंगे, एक बार रिवाइज कर लो, क्या आ गया बोलो, एलसीएम ले तो ये नंबर इधर आ गया एक्स प्लस 10 और ये नंबर इधर चले गया, तो 72 इंटू एक्स प्लस 10 है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे अपन, एक काम करो इसमें से 3 कॉमन ले ले रहा हूँ, 3 या 72 कॉमन ले लो कुछ भी होता, तो अगर 72 आप कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचेंगे बोलो, कॉमन यानी बाहर निकाल डाले, 72 बाहर निकाल डाले आप कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचा एक्स प्लस 10 माइनस, यहाँ से 72 बाहर निकाल डाले, दोनों में से बाहर निकाल डाले तो क्या बचेंगे एक्स डिवाइड बाई, इसको मल्टीप्लाई कर लो ना, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर एक्स इंटू 10 10x इक्वल्स टू 3/5, ये प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, है ना। अब यहाँ पे क्या बचेंगे देखो, ये है ना, इसको और थोड़ा कंप्लीट करेंगे हम, ठीक है, ये 720 हो गया, 720 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 10x इक्वल्स टू 3/5, दो साइड के नंबर्स कैंसिल कर सकते हैं, 3 1 बोलो 3 2 6, एक बज गया ना यहाँ पे 12 समझो, 3 4 12, 0 एज इट इज, यहाँ पे 1 बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करें 1 से हम, तो क्या आएगा बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस 10x क्या आएगा, यहाँ पे कंटिन्यू करो मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 10x इंटू 1, एक्स स्क्वायर प्लस 10x इंटू 1, एक्स स्क्वायर प्लस 10x इक्वल्स टू 5 इंटू 2 5 0 0, 5 4 20 का 0 कैरी टू 12, 5 2 10 10 प्लस 2 12, इधर लालो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 1 क्या होगा 2 5 सॉरी ये क्या है 2 है यहाँ पे 1 2 0 0 इक्वल्स टू 0। अब ये आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ से हमको मालूम है या तो इसको फैक्टराइज करेंगे हम या तो फॉर्मलाइज करेंगे, तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन आसान होता है, कैसे, और सोच लो 3 4 12, 3 4 12, 2 जीरो से ना यहाँ पे एक जीरो लगा दो, यहाँ पे एक जीरो लगा दो, तो 30 40 1200 बोले सर। अब क्या होना है अपने को, प्लस 10 होना है ना, तो माइनस छोटे को लगा लो, प्लस बड़े को लगा लो, अब मल्टीप्लाई करो माइनस इंटू प्लस माइनस, 30 40 1200, ऐड करो 40 माइनस 30 10, तो इसको फैक्टराइज कर लेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस 10x, 10x को क्या चेंज करना है हमें को, 10x को ये दो नंबर्स में चेंज करना, माइनस 30x प्लस 40x माइनस 1 2 0 0 इक्वल्स टू 0, ये पहले दोनों में से कॉमन, फिर ये दोनों में से कॉमन, तो पहले दोनों में से एक्स कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर में से एक एक्स चलेगा तो एक एक्स बच जाएगा, 30x में से एक्स बाहर निकाल डाले, अब एक्स बाहर निकाल डाले तो क्या बचेगा 30 ब्रैकेट प्लस ये 40 कैसे भी कॉमन आएगा, ये दो सेम आते हैं, 40 चलेगा तो एक्स बचा, 40 कैंसिल गए तो इसको कहेंगे 30 इक्वल्स टू 0, ये दो सेम आते, फिर कॉमन ले लो एक्स माइनस 30 क्या बचेगा एक्स प्लस 40 इक्वल्स टू 0, अलग अलग क्या लो, देयरफॉर एक्स माइनस 30 इक्वल्स टू 0 और एक्स प्लस 40 इक्वल्स टू 0, माइनस 30 वो से गए तो प्लस 30 और प्लस 40 उधर लेगे तो माइनस 40, लेकिन स्पीड हम माइनस 40 में नहीं लेंगे, बट हाल इतना डालो एक्स नॉट इक्वल्स टू माइनस 40, देयरफॉर क्या बचा 30, देयरफॉर इनिशियल स्पीड, इनिशियल यानी शुरू में, इनिशियल स्पीड क्या लिए थे हम, एक्स लिए थे, तो एक्स क्या आ गया हमको 30 में, अपने पास इसके यूनिट्स क्या है, यूनिट्स है इसके किलोमीटर्स पर आवर दिया था ना, इसलिए हम क्या लिखेंगे किलोमीटर पर आवर, तो ये थर्ड पार्ट है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का,
इसको और आगे इंशाल्लाह फोर्थ पार्ट वे कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। ये तकरीबन जितने क्वेश्चंस आप लोग को भी कराए तकरीबन प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चंस है, इसको अच्छा प्रैक्टिस करिए, आप लोग को यही टाइप के क्वेश्चंस आएंगे इंशाल्लाह। ऐसा क्वेश्चन पढ़ना, स्टेटमेंट समझना, फिर उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के उसको सॉल्व करना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में इसको अल्लाह चाहे तो कंटिन्यू।